the unit of electric field is not equivalent to, तो किसके equivalent नहीं होती हमारे पास electric field. तो electric field हमारे पास क्या होती है, basically हमारे पास एक formula इसका कि F by Q होती है. तो F by Q क्या होगी, यानी कि Newton per Coulomb. तो alpha हमारे पास ठीक है. उसके बाद हमारे पास एक और इसका formula आता है V by D, जो कि हमने potential gradient में पढ़ा. तो हमारे पास volt by meter, वो भी correct answer होगा. पीछे रह गया हमारे पास बीटा और डेल्टा, तो डेल्टा भी करेक्ट है. उसकी वजह यह है कि अगर हमारे पास न्यूटन पर कूलम है, ठीक है, वो तो हमने साबित कर लिया है हमारे पास, हम न्यूटन यानी कि फोर्स को जाउल पर मीटर भी तो लिख सकते हैं. जाउल पर मीटर कैसे लिख सकते हैं, हमारे पास वर्क क्या होता है, एफ इंटू डब्ल्यू इज इक्वल्स टू एफ इंटू डी. तो अगर हम एफ के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास एफ हो जाएगा डब्ल्यू बाई डी, यानी कि जाउल पर मीटर. तो हमने सिंपली एन को जॉल पर मीटर से रिप्लेस करके, डेल्टा ऑप्शन भी ठीक है, तो पीछे बचता है बीटा. तो बीटा हमारे पास जो है वो नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड है.